अब धीरे धीरे सुधार रहे हैं भाई, सबसे बड़ी और एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई हम गलत थे, अब हम सुधर रहे हैं। हाँ जी गाइज, नमस्कार, राम राम सभी को, और एक नए व्लॉग में एक सभी लोगों का स्वागत है। तुम्हारे भाई ने सेम हुडी पहन रखी है, वैसे पीछे भी सामान सुमून बिखरा पड़ा है, आज ना कह पह रही है, हुडी गंदी नहीं होती ये, कभी तुम्हें लग रहा है एक बार पहन के धुवा दो, नहीं भाई पहरो दो चार दिन, कुछ नहीं होता इनके। अभी भाई हम लोग जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने, फिर एक बार मैं जाऊँगा घर पर, और उसके बाद आज का कार्यक्रम बहुत अलग है भाई, बहुत डिफरेंट है, बताता हूँ तुमको। मेरे को भाई इतने दिन तो हम फॉर्चुनर में हारने लग रहे हैं, आज थोड़ी अपनी सवारी चेंज करते हैं, आज जाते ई रिक्शा में, आज जाते हैं मर्सिडीज में, मौज काटते जाएंगे। अपने पूजा भट्ट वाला सोल ले लिया, ये तो मेरे दिल के बहुत पास है भाई। पूजा जी, इफ यू आर वॉचिंग दिस, अभी भी मेरे पास है। कहाँ खड़ी करी है तेने गाड़ी? फॉर्चुनर भी वहीं खड़ी है? फॉर्चुनर कहाँ खड़ी है? साथ साथ खड़ी है भाई, ये फॉर्चुनर खड़ी है, इतनी दूर क्यों खड़ी है भाई अपनी वाली से? ले उसमें तो सामान निकाल ला, नहीं बोले मैं तो इसने निकालू। चलो भाई धन्नो मेरी रेडी, रेडी धन्नो, अंदर सब चीज़ रेडी है भाई। पर्स भी निकाल लियो, इसमें था ना पर्स निकाल लियो, आम रेस्ट में था। कितने दिन बाद, मुझे ऐसे क्यों लग रहा कि बहुत खींची इनने, मैंने वो भी तो देख लूँ कितनी चला दी, कल चेक करके गया था जब ऑन करी थी ना, यहाँ पे 315 की रेंज थी। अभी देखो साड़ी कितनी आएगी, देखो 275, साड़ों ने कितनी चला दी, 25 और 15 की तरफ 40 किलोमीटर हंडा दी गाड़ी, वाह बहुत तेज खींची है, इसका मतलब इन्हें स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मोड में। कोई बात ना बेटा, कोई बात ना, खींचो खींचो, कल मेरे व्यार कितने यार दोस्त। चल भाई, मैंने मेमोरी सीट अभी तक सेट ना करी है, कूलिंग सीट हीटिंग सीट जो भी है, चलेंगे अभी थोड़ी ठंडी हो जाए मेरी गाड़ी, गर्म हो जाए मेरी गाड़ी। बड़ी मस्त है भाई तू जो भी है भाई, इसमें ना ये आ रहा रेक्टिफाइड टायर प्रेशर, हमें समझ ना आ रही कि कौन सा पहिए में करवानी है हमने। कौन से पहिए की, अब मुझे लग रहा है कि येलो में छपरा है ना, तो तीन जने येलो है, मतलब येलो ठीक है मेरे हिसाब से, और ये सफ़ेद छपरा है ना, ये सफ़ेद हमने ठीक करवाना है, या फिर तीन येलो ठीक करवाने हैं भाई, उतर के पता पड़ा ज़्यादा फर्क तो ना है वैसे, देख 230 215 215 सारा चेंज क्या करा दूँ, एक एक पी एस आई है भाई, चेक कराऊंगा इसमें कितनी होनी चाहिए हवा, ये भी तो ना पता, मैं पता लग जाएगी अभी गेट पर, गेट पर खुल, गेट खोलेंगे और गेट पर पता लगेगी भाई की, वैसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस देख लो, वाओ इस पर पेट्रोल पंप भी आगा, अरे ये ऊंची गाड़ी नीची ना है, लेना है कुछ ना होगा इसके, ये और पेट्रोल पंप देखियो, इसको करनी है तेरे को भाई, हम इतने अनपढ़ है क्या भाई, हवा तो सब बहुत ज़्यादा लिख रखी है, कितनी लिख रखी है, कितनी बगानी है उसके हिसाब से, ये नॉर्मल वाली स्पीड पे देख, नॉर्मल वाली स्पीड पे 20 इंच का टायर है तो तेरा होगा भाई 44 लिख रही है, 44 पागल है क्या, 44 की है भाई, लिख दे भाई, बड़ा प्यारा गाना लग गया मेरे को यार, मेरा फेवरेट गाना है, सुनो माय गॉड, अल्टीमेट गाना ये, मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना, इसका नाम है मैं तेनु, कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे को पसंद है इसलिए सुना रहा हूँ। भाई कब तकड़े जूते लग रहे हैं मेरे, देखिए कटा रही है, मस्त है अब, देखा तगड़ी गाड़ी लग रही तेरी को, क्यों कौन सा कलर है भाई, मेरे तो ना दिखाया तेने, ब्लैक मैट है, कस्टम गराज जिंदाबाद भाई, हाँ भाई बिल्कुल यार, कस्टम गराज के नारे लगा दूँ, और चलो जी, अरे क्या खोल भाई, ये क्या कर दिया तुम्हारे कस्टम गराज ने, ये कह रहा साला दरवाजा तो खुलता नहीं तेरा, दो बार में खुला, डबल लॉक वाला सिस्टम करवा रखा है रंग बिरंग, अरे ये देखियो देख क्या, कहाँ ले जाऊँ मैं, पकड़े भाई बार, गंदी नहीं होनी चाहिए उड़ी, सिस्टम क्लोथिंग जिंदाबाद, क्यों कटा रिया, हाँ भाई बिल्कुल, चला चला ले ले मेरे भाई, चला बहुत टाइम बाद बैठा भाई मैं कटा रहे की थार में, सेम ही लग रही है, तो क्या चेंज कराया इसमें भाई, इसमें ये देखो ना अंदर, ये पूरा पैनल ये चेंज है, यो क्या है? पूरा ये तो अलग है कुछ, बेटा सिस्टम है, और ये देख ये चीज़ देख, वाह कटा रिया, और बस यही है भाई, पैसा का काम पे इतना सस्ते में तो इतना ही होता, अच्छा कितने का लगवाया है तेने,
ये भाई कस्टम गैराज वाला है, ये बताएंगे कस्टम गैराज वाले भाई बताएंगे कितने का लगवाया भाई। पैर तो पैर ले, पैर रहा हूं यार, बोले सिस्टम लगवा रखा, बेल्ट ना बोल रहे हैं, पैर है ना तो बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने तो पहली बार देखा है सिस्टम कि बेल्ट ना लगावे तो बोल रहेगा गाड़ी साड़ी। लियो भाई लेफ्ट, अपने चलते हैं अपने खोजबीन में। और फिर अरे तेरी क्या है, राल टपक जाती है अभी मेरी भाई। हम तो अपने सिस्टम उड़ी पैर रखे, अपने सोल ऑर्डर रखा, पूजा जी कार अपने निगढ़ लिए, अभी लक्ष्य अर्चित भी वहीं आ रहे हैं ऑफिस पे ऑफिस पा रहे हैं। उसके बाद अरे क्या है, धूल उठ रही है तेरी गाड़ी में, इतना मस्त गा रहे हो, क्या तगड़ा गा रहा है ये वाला भी तगड़ा भाई सारे तगड़े गा रहे हैं भाई ये तो हमारा भी बहुत तगड़ा गा रहे हैं यार। अटारी हमारा कद बनेगा ऐसा घर? हाँ यार, हम कम कमा पाएंगे इतना पैसा धूल मिट्टी के चक्कर में तो खासी होगी वो रखी थी ऑलरेडी। मैं कह रहा हूँ भाई इंडिया के अंदर, या फिर मतलब मैं तो इंडिया का बता सकता हूँ, जिस आदमी ना बड़ा गुरूर हो ना, ये अम्बानी अम्बानी छोड़ गया कि भाई हम पे बहुत रुपया है, ना कि भाई ये हम पे बहुत रुपया। भाई कोई कोई लोग तो ऐसे ऐसे बैठे रहे हैं जो जिनका पता ही ना रहे कि कौन है, और उन पे इतना रुपया रहे ना माँ कसम। अब जैसे इतनी बड़े बड़े कोठी बंगले भाई बहुत महंगे घर हैं यहाँ पे, पता ना किसको अजीब अजीब टाइप के बिजनेस पाएगा कोई इम्पोर्ट, और इन्हें कोई ना जानता होगा बेशक, पर धनवान होंगे भाई पीछे तो माँ कसम। हम तो कर्म अच्छे हैं तो धन अपने आप आएगा, कर्म अच्छे रखो तो गाड़ी ढंग से चला, हाँ गाड़ी में अच्छी डाल चलाओ, हाँ तब आएगा धन। जब गाड़ी अच्छी चलेगी ना तो जो ऊपर में लगवा देते हैं ये गाड़ी अच्छी चलाता धन इसका रेडी करो, तो भाई ये वाली बात है। अब जैसे सपोज मान लो हम कह रहे भाई हम पे यो है, ये वाली गाड़ी हम पे यो है वो है, ठीक है भाई। कई ऐसे भी होंगे जिनका जिन पे हम तो भी ना बेरा हजार गुना ज्यादा चीज होंगी जो सारा दिखाता भी नहीं होगा। ये तो हमारा तो चलो काम है, अब भाजी का हमारा खुली किताब है भाई, आप पहले 600-700 दिन हो गए सबको दिखावे सिस्टम के है के ना। 600-700 तो ज्यादा दिन हो गए भाई, नवंबर आ गया, नवंबर में अभी 2 साल कंप्लीट हो गए मेरे को डेली ब्लॉगिंग करते करते। 365 बीच में दो तीन बार छुटा होगा, अभी बीच में छुटा था मेरी तबीयत की वजह से छुटा था और तो मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं रहा हमारा। लक्ष्य शूट का फोन आ रहा। और भाई लाइफ में जैसे हमेशा अंधकार नहीं होना चाहिए, लाइट रहनी चाहिए, लाइट जला ली लाइफ में, लाइट तो रहनी चाहिए यार। ये शॉल तो सही पर्सनालिटी बना देता है ना, कई शॉल लाने पड़ेंगे ऐसे पश्मीना। सही कह रहा, तेरे भी लाऊं? हाँ भाई। कौन सा कलर का पहनेगा? वाइट। बेरंग पहन लेगा? बेरंग नहीं, मेरे को पिंक या वाइट। पिंक पसंद है आपको? वाह, हम तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई लाइफ में ना एक ऐसा पार्टनर होना बहुत जरूरी है जो तुम्हें समझता हो, बेशक मेरा आज हो या ना हो। कौन है तुम्हारा पार्टनर? हो तू रहा मतलब मैं तो समझता हूँ। अरे यार वैसे कह रहा हूँ, लाइफ में एक ऐसा साथी होना जरूरी है, चाहे फीमेल चाहे मेल, जो तुम्हारा दिल करे कैसे भी पार्टनर, जो बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि ना हमने देखा भाई, हमने देखा कि जब खराब टाइम आता तो कौन कौन भाग जाता, कितने खास से खास भाग जाता हमने देखे भाई। भगवान ना करे किसी का खराब टाइम आवे, बट खराब टाइम अगर किसी का आता ना भाई, खराब टाइम ही दिखा देता है कि कौन तुम्हारा अपना आएगा कौन पराया आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाता, बेशक कुछ बुरी चीज़ देता हो पर ये अच्छी चीज़ देख सिखा के जाता है, पता लग जाता साला कौन अपना कौन पराया और कौन कितने पानी में है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने टाइम का जो बता देता। टाइम टाइम टू टाइम बताता रहा है कि ऑल दो मैं चाहता नहीं कि भाई तुम में से किसी का बुरा हो कि भाई बुरा टाइम आए, बट लाइफ है यार। कोई नहीं, लाइफ है ब्रो, अप्स एंड डाउन्स होंगे, जब तो पता लगेगा लाइफ से। लाइफ से बिल्ली के साथ लाइफ से, हमारी तो एक है बिल्ली को अंडरटेकर बन जाए 10 lives और उसके तो मटके मटके होते हैं ना कि एक मटका फूटेगा दोबारा जीवन ले लिया उसने। तुम WWE को असली समझते थे कि वो अच्छा होगा? तुम सही में भाई तुम भी जो होते थे सारे, तुम पहले 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 तुझे कैसे पता? पहले समझता था मैं, उसके बाद जब मैंने WWE नजदीक से दिल्ली में पहली बार होता ना इंडिया में, जब तूने देखा है WWE के ऑफिशियल पेज ने मेरी और उसकी फोटो डाल रखी है, वो नहीं नहीं वो जिंदर महल सिंह ब्रदर्स और वो लेडी जो दो थी साशा बैंक्स, इनका लड़ाई होएगा? नहीं नहीं, अरे मैं वो था ना ऑफिशियल पार्टनर उनका WWE का जब इंडिया में हुआ था। दिखाऊं फोटो अभी? नहीं, अभी दिखा भाई। एक तो ये वाली फोटो ले लो, एलविस यादव यो खड़ा बीच में जैकेट में, ठीक है, और एक दिखाता हूँ ये रहा, ये तो पीछे WWE का 2017 की फोटो है साढ़े आका मजाक है। ये रहा जिंदर महल, ये रहा भाई
एलविस यादव तो चलो यार, और भी घनी सारी चीज़ आओ एलविस यादव के बारे में लिखते तो है भाई। यू क्या भाई, छोरी कौन है यू? अच्छा शहनाज गिल है। यू कौन है भाई? अच्छा यू भी शहनाज ही है। ओके मुझे लगा अलग अलग लड़कियों के साथ नाम जोड़ रहा मेरा। वाह हमारे भाई भी आ गए। अरे तेरे तो ना कह रहा। अच्छा मैं वो का बहन। तू तो जी जी है ना। अच्छा पांच मिनट बता रहा हूँ। कौन है? पापा। पापा और पापा और पापा और पापा जी लिख तो ना रखा था पापा जी। आ जाओ आ जाओ। मैं अपने घर को ढंग से देख रहा हूँ। फिर तगड़े तगड़े पेंटिंग्स है घर में। वाओ और क्या क्या हमारे घर में वो है क्या? होम टूर। होम टूर वीडियो। अरे यार ये तो लिया ही नहीं मैंने भाई। कल जो मैंने वीडियो निकाली उसकी ना कई चीज़ें क्लियर करूँगा मैं। मैंने उसमें बोला कि भाई यूके भाई को इतना वो मत करो यार कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, कोई डिप्रेशन में चला जाए, बाहर आके देखे कितना मजाक बनेगा किसी का, उसकी फैमिली भी है सारी चीज़ ठीक है। इसके ऊपर कमेंट आए। पहला ये कि भाई वो तो हरकत ही ऐसी कर रहा है तो गाली तो खाएगा। भाई हरकत तो बहुत लोग ऐसी करते हैं, सब लोग गाली थोड़ी खाते। और ठीक है मान लो हरकत कर रहा, फॉर एग्जाम्पल हरकत कर दी, इतना सही है, इतना सही है, इतना नहीं यार, बहुत होता है भाई। कि दूसरा कमेंट आया भाई तुम भी तो बुली करते थे एक टाइम पे जब रोस्ट करते थे 2020। भाई गलतियां सब करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सारे हम कबूल नहीं कर रहे कि भाई हमने भी करे हैं बुली। भाई हमने भी खूब करी है सारी चीज़ें गलत, बट टाइम था यार, टाइम निकल गया भाई। पर तो हमारी सबसे बात होती है नॉर्मली उस टाइम के जो बंदे थे, अब तो हो गया भाई। सबसे सब क्लियर है, ऐसा भाई कोई वो नहीं बच रहा गिला शिकवा किसी के मन में। और रही दूसरी बात, जब एज बढ़ती है ना, टाइम धीरे धीरे इंसान मेच्योर होता है टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। एक टाइम पे भाई हम खूब जोश चढ़ा रहा करता, किसी कोई मार दे, लड़ाई कर ले, गाली बक दे, कर दे, नहीं भाई, इट्स नॉट गुड भाई। जितना जल्दी ये चीज़ तुम समझोगे ना, मान लो तुम्हारी एज भी कम है, मान लो मेरे से एज कम है, तुम्हें सोच रहे हो भाई गलत, इसको गाली बको, ये बको, भाई क्यों बके यार, सीधी बात है ना। और मान लो हमने कोई गलती कर रखी है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ भाई पुरानी बातें हो गई भाई, हम छोटे थे, दिमाग कम था। तुम भी मान लो अपनी पुरानी फोटो देखते होगे ना उठा के फेसबुक पे, 2015-16 की फोटो उठा के देखो, तब भी तुम कहोगे अरे कौन बेवकूफ़ी है, हम भी कहते हैं सेम चीज़ सारा, कौन है? अब नहीं लगता ना, अब 5 साल बाद फिर कहेंगे कि हम क्या बेवकूफ थे 5 साल पहले। तू तो पहले भी बेवकूफ़ी था, तूने कितना किलो वजन तोड़ लिया? वही तो 2-3 किलो टूटा। ठीक है तो इसकी और टूट जाएगा ना टाइम पर। क्या टूटेगा? तेरी बहुत सारी चीज़ ना टूट जा, वजन कह रहा हूँ वही वजन, तेरी कुछ और चीज़ टूट जा ना भाई। ध्यान तेरा फोन भी बज रहा, फोन भी है तेरे पे भाई, फोन आ रहा रोबोट का। किसका फोन है? रोबोट का भाई। ठीक है भाई, बालक टीका वीका लगा के घूम रहे, हमें तो मंदिर लेके जावे ना, हम तो खूब कहते रहे मंदिर चलो मंदिर चलो। चलो 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 कहाँ चलना बताओ? क्या चीज़ नाम जो क्या है? नीम करोली बाबा। हाँ जी चलो चलो, पक्की बात होगी? हम तो रेडी हो भाई। चलो डन हो गया, पहुंचो तुम, आ रहा हूँ पीछे पीछे मैं। ठीक है दूसरी चीज़ भाई, तीसरी चीज़ ये दोनों चीज़ क्लियर कर दी कि भाई अपनी गलती भी मानते हैं हम, कि हम कोई दूध का दुला नहीं होता कि सारा शुरू से लेकर एंड तक बहुत साफ सुथरा, हम भी बुरे थे भाई, अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं भाई। सबसे बड़ी और एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, हम गलत थे अब हम सुधर रहे हैं। क्या पता अब भी हम कहीं ना कहीं गलत हो, वो आगे जाके हमें पता लगेगा भाई, वो भी हम चीज़ सुधारेंगे। तीसरी चीज़ मेन क्वेश्चन है कि क्या भाई आप लोग UK 07 राइडर को सपोर्ट कर रहे हो? अच्छी अच्छी चीजें दिख जाती है। अब मान लो एक तरीके से उसका बुरा टाइम ही चल रहा, काइंड ऑफ जो भी हेट फैल रही, जो भी फैल रही, भाई हम भाई के साथ खड़े भाई, हम सारे भाई खड़े हैं, और जो कुछ हमसे बन पाएगा हम बिल्कुल करेंगे भाई, कुछ खिलाएंगे हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, जितना हो पाएगा हमसे, जितना भी हो पाएगा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भाई भी हमारे साथ खड़ा था। इस रीज़न से नहीं, हमारा पहले से भाईचारा भाई, ये नहीं कि बिग बॉस में एकदम से उठ के आ गया यूके राइडर और रहो अपना एहसान चुका रहे, ऐसा नहीं है भाई, भाई है पहले की वीडियो देख लो भाई। ड्रैग रेस से भी होनी बहुत, अभी तो ड्रैग रेस भी करी है हमने, जयपुर भी साथ में गए हैं भाई, बहुत हमारी मेमोरीज हैं। पहले की वीडियो देख लो भाई, जब लेजेंडर लाए थे तब मिले थे भाई, तब कॉन्ट्रोवर्सी थी, तब के खड़े हैं, अब के थोड़ी ना, पहले के भाई यूके भाई के साथ तो, और खड़े ही रहेंगे अब तो। हाँ भाई हम तो इधर ही हैं, ये हमारा आंसर कि हाँ हम लोग सपोर्ट में भाई, प्लीज़ हेट मत फैलाओ, चाहे कि मेरे प्रति, उसके प्रति, किसी भी कंटेस्टेंट के प्रति। मान लो किसी का मजाक उड़ा दे, उड़ा दे, नॉर्मल हंसी मजाक में खेल लिया, मैंने कहा भाई अलीस भाई तुम भी तो मजाक उड़ाते हो, मजाक ही तो उड़ाते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में, कि बुरे इतना थोड़ी कर देते हैं, गाली गलौज थोड़ी करते थे भाई, माफ़ी मांग ली, गलती करी है, एक्सेप्ट कर लिया, अब नहीं करते भाई। और हमारा मजाक तो ऐसा रहता भाई, मुझे पता ही लोगों को, और हम तो करते भी आपस में ही, अब हाँ करते भी आपस में हम, तो कोई बात नहीं, हम तो सनातनी है भाई। क्या करें भाई, तुम भी बनो, सपोर्ट दिखाओ भाई, सनातनी दिख रहा हो
हम सब सनातनी है। जय हिंदू धर्म, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। लाइक कमेंट, पीछे भी जय श्री राम लिखा था, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, केला, जय श्री राम।